Hey, good morning. Welcome back, my new production guys. तो अभी मैं अभी बजे 7:30 तो मैं अभी नींद से उठ के मैंने पियानो प्रैक्टिस शुरू किया एंड उसके बाद अभी जो करेंगे मैंने एक वाटर कलर करेंगे एंड हम देखेंगे कैसे वाटर कलर बनते हैं, कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप उसको प्रोसेस दिखाएंगे. ओके चलो चलते वाटर कलर. सुबह मैंने चाय खा रहे हैं, लेकिन ये शुगर खाना नहीं जरूरी नहीं है, खाना नहीं चाहिए इतना ज़्यादा. शुगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी मैंने गर्मा गर्म चाय वही जाता है. तो उसको बाद मैं जिम जाएंगे, तो जिम थोड़ा कम करेंगे हाफ एन आवर्स, लेकिन जाएंगे जरूर करेंगे. तो चलो चलते हैं, शुरू करते हैं वाटर कलर. Hey guys, तो हमारा जिम हो गया, हमें छत पे जिम करते थे. तो चलो अब जाके नहा के, आज मैं जाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत सारे काम करने थे. चलो हेलो खाबे, चलो 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 चलो. वाओ, सो मछली को खाना देना मैंने दे दिया, ये सब खाना है. अरे कितना अच्छा आराम से खा रहे हैं. हेलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब. हेलो जी, हे गाइस, तो मैं अभी रेडी हो गई ऑफिस के लिए. तो अभी बाजे ऑलमोस्ट माई 10:30, आज तो बहुत ही लेट हो गया. तो चलो 10:30 बज गए एंड मुझे अभी अभी ऑफिस जाना है. सो गाइस चले चलते. एक्चुअली आज मैं बहुत लेट हो गया, मैं कुछ ब्लॉग का एडिटिंग का कुछ पार्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया. सो मैं बंद कर दिया. सो चलिए. सो गाइज अभी बाजी ऑलमोस्ट 10:30. सो मुझे पहुँचते 11:30 के आसपास हो जाएगा और ये बहुत ही लेट टाइम है, ये सही नहीं है. We'll be right back.
गाइस, तो मैं अभी से निकल चुका हूँ और अभी बाजे 8:30, सो मैं एक चैंप पे फंसा हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्लॉग में आ जाता हूँ। सो आज मैं बेसिकल करेक्टर डिज़ाइनिंग बनाया कुछ, और बस इतना ही। चलो घर में जाते हैं, कुछ नया कुछ बनाते हैं, और कैसे लग रहा है ये ब्लॉग बताना, ठीक है? तो चलो, आज लगता है जैम कम होगा, क्योंकि आज 8:30 बज गए, तो थोड़ा लेट हो गया, तो वीर भी कम होता है लेट होने से, ठीक है? तो चलो चलते हैं। नहीं कोने ना, तो गाड़ी गाड़ी काट दे, काट दे, नहीं गाड़ी देख। हे गाइस, मैं पहुंच गए घर, और आके देखो ऊपर क्या कर रहा है। अम्मा कुछ जो ना कुछ तो दो काचे मामा जी जी बोले बाबा दूध काचे मामा जोजो दिए दिए तुम जोजो खाच ओह बाबा। हाय फ्रेंड्स, मैं पहुंच गए घर, अभी एक ऑनलाइन क्लासेस है, उसको बाद मैं बस को बाद में स्कॉपिंग स्टार्ट करेगी, तो चलो फिलहाल चेंज करके बैठते क्लास में। तो गाइस, अभी बाजी ऑलमोस्ट रात हो गए 2:30, सो मैं अभी सोने जाएंगी। सो आज वाटर कलर किया मैं, स्कॉपिंग कल सुबह में उठ के करेंगे, 4 और 5 बजे उठ जाएंगे। सो उठ के मैं डेफिनेटली स्कॉपिंग स्टार्ट करेंगे। मुझे मन है बहुत सारी स्कॉपिंग करना, स्पेशली डिज्नी का जो भी जितने सारे कैरेक्टर्स हैं ना, जैसे मोआना हो गया, एरियल, लाइक रिपंजल, एना, सो अब डिज्नी प्रिंसेस एंड एज वेल द बैटमैन सुपर हीरो, ऑल दो जैसे कॉमिक्स मार्वल कॉमिक्स का जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो मुझे बहुत मन है करने के लिए। इसको टाइम लगता है, लेकिन मैंने इसको ट्यूटोरियल बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, अगर इसमें कुछ सीखने मिले तो डेफिनेटली मतलब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, अगर कुछ वैल्यू ऐड होगा आपको लाइफ में। सो कैसे लग रहा है ये ब्लॉग जरूर बताना। मैं बेसिकली बेंगलोर में बिलोंग करता हूँ, और मैं मेरा होम टाउन है कोलकाता, सो इसीलिए मैं नो चाहता हूँ जो जो भी बेंगोलीज हैं और जो भी ऑल ओवर इंडिया में जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, सो अगर उसमें कुछ सीखना चाहते हैं, आर्ट लेके कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी जिसमें आगे बढ़ो, क्योंकि इसमें क्या है ना, आर्ट को अंदर जो पावर है, ओके, बहुत लोग स्टूडेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आर्ट लेके क्या करेंगे आगे, आगे जाके कुछ होगा कि नहीं, लेकिन मैं ये मानना है आर्ट लेके बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। जो डॉक्टर इंजीनियर कमाता है उससे भी ज़्यादा कमा सकता है, अगर अपने आर्ट में करियर बना के अपना इंस्टीट्यूशंस को ले, अपना स्टूडियो को ले, खुद जॉब करे, फ्रीलांस करे, बहुत सारी एरियाज है, मैं आगे आगे वीडियोज में बताते रहेंगे, जुड़ते रहना मेरा साथ। और मेरा जो क्लासेस चलेंगे यहाँ पे, सो वो कम्प्लीटली मैं चाहता हूँ जो एक आर्टिस्ट से लेके कैसे एक एनिमेटर बनेगा, एक आर्टिस्ट कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या सीखने से आप धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट बन सकते हैं, कैसे विजुअलाइजेशन डेवलप करके विजुअलाइजर आर्टिस्ट होके काम कर सकते हैं, गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, तो वो सब मैं जानकारी इसमें देने के लिए बहुत कोशिश करेंगे। आप लोग को जुड़ते रहना, देखते रहना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करते रहना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियोस मैंने बहुत स्टार्ट किया कुछ दिन पहले, पहले तो मैंने अपना चैनल में किड्स ड्राइंग एंड सीनियर्स को जो मैं सीखा था वो आर्ट्स वो डालते थे, लेकिन मैं अभी ब्लॉग स्टार्टेड किया इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ जो कुछ प्रोफेशनल्स बने, जो रियली आर्ट में इंटरेस्ट है उसमें आगे जाके कुछ आर्ट लेके कुछ करियर बने, और अगर मैं मेरा ये सब जो भी मैं सिखाता हूँ उसमें थोड़ा सा भी कुछ उससे को हेल्प हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए गुड नाइट, टेक केयर।